विद्यार्थियों, आज हम एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है का सत्यापन करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए सर्वप्रथम हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं तथा उस पर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। मान लीजिए यह त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। फिर हम इस वृत्त पर चार बिंदु ए, बी, सी और डी लेते हैं। इसके बाद हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को मिलाते हैं। इस प्रकार हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया है। अब हम कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को लेते हैं। रंगीन चार्ट पेपर की सहायता से हम कोण ए का कटआउट इस प्रकार बनाते हैं। कोण बी कोण सी और कोण डी के कटआउट इस प्रकार बनाते हैं। हमें सत्यापित करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसीलिए हम यहां से कोण ए और कोण सी उठाते हैं और ये सत्यापित करने के लिए इनका योग 180 डिग्री है, इन्हें एक सरल रेखा पर रखते हैं। यहां देखिए, आप क्या देखते हैं? यहां चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री है। इसी प्रकार हम कोण डी और कोण बी के लिए भी इसकी जांच कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यह भी एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण बी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री है। इस प्रकार हमने सत्यापित कर लिया है कि कोण ए जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार इस क्रियाकलाप के द्वारा हम एक और गुण का सत्यापन कर सकते हैं जो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण के बारे में है। यहाँ हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है तथा हम डी सी को बिंदु ई तक बढ़ा रहे हैं, जिससे बहिष्कोण बी सी ई बनता है। हमें सत्यापित करना है कि कोण ए बहिष्कोण बी सी ई के बराबर है। हम इसे कैसे करेंगे? हम यहां से कोण ए को उठाते हैं। यह कोण ए है तथा हम इसे कोण सी से सटाकर रखते हैं। हम यहां क्या देखते हैं? हाँ, कोण सी और बहिष्कोण दोनों मिलकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं तथा इनका योग 180 डिग्री है। यहाँ इसकी भी पुष्टि हो रही है, कोण ए बहिष्कोण बी सी ई के बराबर है। कोणों के अन्य युग्मों के लिए भी इसका सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास
कोण डी है। हम कोण डी की प्रतिलिपि को उठाकर कोण बी से सटाकर रखते हैं, जिससे बहिष्कोण ए बी एफ बन रहा है। इससे हमने चक्रीय चतुर्भुज का एक और गुण सत्यापित कर लिया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतः विपरीत कोणों के बराबर होता है, जो यहाँ कोण डी है। इस प्रकार हमने सत्यापित कर लिया है कि बहिष्कोण बी सी ई कोण ए के बराबर है। इसी प्रकार हमने दर्शाया है कि बहिष्कोण ए बी एफ कोण डी के बराबर है। इस प्रकार साथियों, हमने एक क्रियाकलाप द्वारा सत्यापित किया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। हमने यह भी सत्यापित किया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के लिए बहिष्कोण सदैव अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। धन्यवाद।